नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज, मैं हूं चिराग मेहता। राज्यपाल बनने के बाद सबसे पहली बार आचार्य देवव्रत जी कल बड़ौदा शहर आए थे। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की सीसी मेहता ऑडिटोरियम में संस्कृत महाअधिवेशन में उन्होंने हिस्सा लिया था। गुजरात के राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद सबसे पहली बार आचार्य देवव्रत जी बड़ौदा में संस्कृत महासम्मेलन कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में गुजरात साहित्य अकादमी की ओर से संस्कृत महासम्मेलन आयोजित किया गया था। एमएसयू में सेंटर फॉर स्पोकन संस्कृत कोर्स की इस विशेष कार्यक्रम में शुरुआत की गई थी। संस्कृत भाषा को लुप्त होने से बचाने हेतु एमएसयू की ये पहल थी, जिसमें सिर्फ छात्र ही नहीं पर बड़ौदा के किसी भी नागरिक संस्कृत भाषा का ज्ञान इस कोर्स के जरिए पा सकेंगे। गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की उपस्थिति में संस्कृत भारती का जिला सम्मेलन भी इस कार्यक्रम में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ौदा जिले में संस्कृत भाषा की जागृति हेतु कार्यरत लोगों को आमंत्रित किया गया था। वहीं संस्कृत भाषा के विशेष विज्ञात लोगों ने अपने विचार इस मंच से साझा किए थे, जबकि राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने भी लोगों को संबोधित किया था। वह ईश्वरीय ज्ञान संस्कृत भाषा में है, इसलिए लगता है भगवान को भी सबसे प्रिय भाषा कोई थी तो वो संस्कृत थी। उन्होंने परमात्मा ने अपना पवित्र ज्ञान जो है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा चारों ऋषियों के हृदय में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय प्रदान किया। महर्षि मनु ने हिमालय की चोटी पर खड़े होकर विश्व के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरं पृथिव्यां सर्वमानवः, कि ऐ दुनिया के लोगों, यदि आप संस्कृत और संस्कृति और अध्यात्म और भौतिकवाद जीवन की संपूर्णता चाहते हो तो अपने अपने देश से बोरिया बिस्तर बांधकर भारत की इस पवित्र धारा पर आओ, जो ऋषियों मुनियों के पदों द्वारा दलित भूमि है उसको मस्तक पर लगाकर अपने सौभाग्य का उदय करो। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।